आज हम लोग सबमरीन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। ये सबमरीन इज व्हाट एंड हाउ सबमरीन इज वर्क, हुइज प्रिंसिपल, हुइज इन्वेंटेड सबमरीन एटसेट्रा। सबमरीन्स आर मशीन्स दैट रिमेन्स अंडर वाटर। सबमरीन्स ऐसे मशीन है जो पानी के अंदर रहता है। इन 1578 विलियम बॉर्न ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड राइटर ऑन नाभाल टॉपिक्स सजेस्टेड एन एंटायरली क्लोज बोट दैट कुड रिमेन समर्स इन वाटर एज वेल एज फ्लोट ऑन वाटर। सबमरीन एक ऐसा बोट है जो पानी का अंदर भी काम कर सकता है और पानी का ऊपर में भी फ्लोट करके ये अपना काम कर सकता है। देन वी विल नो अबाउट हाउ सबमरीन इन्वेंशन। Since 7th century, there has been a continuous progress on submarines. Submarines first became a major factor in naval warfare during the World War 1914 to 1918 के अंदर जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट टाइम ये सबमरीन यूज हुआ था। जर्मनी ने पहले इसको यूज किया था। अमेरिकन इन्वेंटर एंड आर्टिस्ट रॉबर्ट फल्टन experimented with submarines for several years before his steamboat Commodore steamed across the Hudson River. अब इसका principle of working के बारे में हम लोग जानेंगे। principle of working of submarines, ये submarine is a vessel that must be able to float on water as well as completely submerged under water. submarine एक ऐसा vessel है जो पानी में float भी कर सकता है, पानी का अंदर बहुत दिन तक, महीना महीना तक भी रह सकता है पानी का अंदर सबमरीन। सबमरीन का बॉडी दो लेयर में बना होता है। एक होता है इनर लेयर और एक होता है आउटर लेयर। द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर इज द एयर चैम्बर। इनर और आउटर लेयर के अंदर में एयर चैम्बर रहता है। जब भी सबमरीन को अंदर जाना होता है, वो जो एयर चैम्बर रहता है इनर लेयर और आउटर लेयर के अंदर में, उसके अंदर पंप के द्वारा पानी भरा जाता है, इसीलिए वो सबमरीन पानी में सिंक करता है। द एयर चैम्बर बिटवीन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर फिल्ड विथ वाटर कॉजिंग द सबमरीन टू सिंक। जो एयर चैम्बर रहता है उसको पानी का अंदर फुल कर देने से सबमरीन पानी के अंदर सिंक करता है। जब सबमरीन को ऊपर आना होता है, वो जो इनर और आउटर लेयर के अंदर जो वाटर रहता है उसको निकाल देने से सबमरीन ऊपर आके फ्लोट करता है पानी के ऊपर। इसमें कैसे तरीके से वेपन्स लदे होते हैं, लगा रहता है, जैसे टॉर्पीडोज, न्यूक्लियर वार्स, न्यूक्लियर वेपन्स। सबमरीन के अंदर बहुत सारा इंजन यूज होता है। ये जो है कंप्लीट बुक पैक है, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होता है, जनरेटर यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। इसके अंदर से इसका जो वेस्ट हम लोग पानी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पानी में छोड़ने से बबल्स क्रिएट होता है जो दुश्मन को पता चल जाता है। दुश्मन को ये पता चल जाएगा तो उसको वो सबमरीन को वो उड़ा देगा। इसके अंदर बड़ा डीजल इंजन चलता है, सोचिए कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पीछे की तरफ प्रोपेलर खंजा होता है जो सबमरीन को आगे की तरफ लेता है। वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि प्रोपेलर को पानी में बिल्कुल हलचल ना हो, कोई साउंड ना हो। जब सबमरीन आगे की तरफ बढ़े तो कोई बबल्स क्रिएट ना करो, पूरा साइलेंट की तरह आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई भी ग्लास और विंडो नहीं होता जिससे कि आप बाहर सी को देख सके। ये देखिए सबमरीन में तीन टैंक होता है, बीच में मेन बैलास्ट टैंक, आगे में फॉरवर्ड टैंक, पीछे में रियर टैंक रहता है। जब सबमरीन को नीचे जाना होता है तो बीच में जो टैंक है उसमें पानी भर दिया जाता है तो सबमरीन नीचे जाता है। जब सबमरीन को ऊपर आना होता है तो रियर टैंक में पानी भर दिया जाता है तो सबमरीन ऊपर की तरफ आता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबमरीन कितने गहराई में जा सकती है। कोई भी देश का नेवल आपको नहीं बताएगा कि उसका सबमरीन कितने नीचे जाता है सी के अंदर। इसका हिडन क्वालिटी होता है। आज के टाइम में जो सबमरीन है उसके अंदर डीजल इंजन यूज होता है
और एक जो होता है उसमें न्यूक्लियर पावर यूज होता है। इसमें डीजल इंजन साथ में बैटरी रहता है। जब डीजल इंजन चलता है तो सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है। ऊपर आके डीजल इंजन चलता है तो बैटरी चार्ज होता है। बैटरी चार्ज होने के बाद सबमरीन फिर अंदर चला जाता है। अगर अंदर डीजल इंजन चलेगा सबमरीन के अंदर तो सोचिए कितना पॉल्यूशन होगा। उसका अंदर जो क्रू मेंबर रहते हैं उनका रहना दिक्कत हो जाएगा। डीजल इंजन में जो सबमरीन को 48 आवर के अंदर में ऊपर आना पड़ता है बैटरी चार्ज कराने के लिए। तो हर 48 आवर में डीजल इंजन वाला जो सबमरीन है वो ऊपर आता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। न्यूक्लियर पावर वाला जो सबमरीन होता है उसका अंदर बैटरी नहीं रहता है। न्यूक्लियर पावर से स्टीम टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इसी से टर्बाइन चलता है। ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन 90 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। 4 डीजल इंजन सबमरीन के बराबर 1 न्यूक्लियर पावर सबमरीन होता है। सबमरीन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? पानी के अंदर GPS तो काम नहीं करेगा, तो इसका अंदर यूज होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये साउंड वेव छोड़ता है, जो भी चीज़ इसका आसपास होता है वो साउंड है उसको टकरा के इसके पास वापस आता है। इससे वो जहाज़ कितना दूर पर है उसका सटीक स्थिति भी जान सकता है। जब सबमरीन को आउटर के वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट करना होता है तो वो लो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, बाहर बड़ा बड़ा एंटीना लगा रहता है, वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के सबमरीन के बारे में जान सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम देश के पास में, जैसे US, इंग्लैंड और इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी प्राप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू नो अबाउट द सबमरीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।